बैंगन मसाला की बहुत ही टेम्पटिंग सी सब्जी आज हम बनाएंगे घर पर बहुत ही आसानी से। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बैंगन मसाला की रेसिपी। बिना भरे इन बैंगनों को हम बनाएंगे और बहुत ही अल्टीमेट ये सब्जी बनती है, रोटी या चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन। तो बैंगनों को अब हम अच्छे से वॉश करके कट करेंगे। तो अब एक नाइफ की मदद से हम इसमें दो कट्स लगाएंगे और इसके 4 पीसेस कर लेंगे। ध्यान रखें कि पीसेस को अलग नहीं करना है, ये जुड़े रहने चाहिए। कट करने के बाद आप इसे अच्छे से अंदर से चेक कर लें ताकि कोई भी कीड़ा ना हो, बैंगन खराब ना हो। बिल्कुल क्लीन हो बैंगन तभी उन्हें यूज करें और इन्हें पानी में डाल दें। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारे बैंगनों को चेक करके पानी में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और नमक को भी पानी में अच्छे से मिला देंगे। ऐसा करने से बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो बैंगनों को साइड पे रख लें और आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही स्पेशल मसाला बनाना। इसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर का छोटा वाला जार ले लें और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली। फिर इसमें डालें 1 इंच का अदरक रफली चॉप किया हुआ, 3 से 4 कली लहसुन की और 1 टमाटर रफली चॉप करके। अब इसमें डालें जरूरत के अनुसार पानी और इसका एक पेस्ट बना लें। आपको इसका पेस्ट बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, इसे आपने दरदरा सा रखना है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप पेस्ट का टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, हल्का थिक पेस्ट तैयार हुआ है और ये काफी कोर्स है, बिल्कुल फाइन हमने इसे नहीं ग्राइंड किया है। तो अब इस पेस्ट को साइड पे रख ले, आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। यहाँ पर हम एक पैन में डालेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। इस रेसिपी के लिए आप कोई से भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सरसों का तेल स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए यूज कर रही हूँ, बैंगन के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बैंगन। बैंगन को पानी से निकाल के इसमें डाल दें और फिर इसमें डालें 1/2 छोटा चम्मच नमक ताकि बैंगन अच्छे से कुक हो जाए। नमक को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे तुरंत ही लिड से कवर करें और कुक करें 2 मिनट के लिए। लिड से कवर करके ही कुक करें वरना बैंगन के छींटे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है और हम इसे एक साइड से 2 मिनट के लिए कुक कर रहे हैं। अब लिड को हटा के बैंगन को एक बार वापस से टर्न कर दें और फिर से लिड लगा के इसे 2 मिनट के लिए और कुक करें। तो टोटल यहाँ पे मैंने इसे 4 मिनट के लिए कुक करा है। बैंगन हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़े से तेल में फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंगन करीब 50% कुक हो चुके हैं। अब आप इन्हें साइड पे रख लें और आइए इसी पैन में हम मसाला बनाते हैं। अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो आप 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल सकते हैं, मैं और ज्यादा तेल का यूज नहीं कर रही हूँ। तो इसी तेल में मैंने डाला है 1 पिंच हींग और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। दोनों ही चीजों को 5 सेकंड के लिए लाइटली सौते करें और फिर हम इसमें डालेंगे 1 प्याज फाइनली चॉप करके। गैस की फ्लेम मीडियम पे है और प्याज को हमें अच्छे से सौते करना है। प्याज का कलर ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का सा लाइट पिंक होने देना है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा बनाया हुआ स्पेशल पेस्ट मूंगफली और नारियल वाला। पेस्ट डालने के बाद पेस्ट को अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए भूने जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना होने लगे और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइस पाउडर्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें 2 मिनट के लिए भून लें। अब मैंने उसी मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाला है 1/2 कप पानी और इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लें और लिड से कवर करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सिमर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले में से ऑयल अच्छे से रिलीज होने लगा है, ग्रेवी हमारी काफी ज्यादा थिकन हो गई है। इस सब्जी को हम सेमी ड्राई कंसिस्टेंसी का बना रहे हैं, यहाँ पे मैं ग्रेवी को ज्यादा थिन नहीं कर रही हूँ। तो अब ऑयल अच्छे से रिलीज होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारे सौते करे हुए बैंगन। बैंगन ऑलरेडी 50% 60% कुक्ड है, तो इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मसाले में कोट कर लें। इस पे डालें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और वापस से लिड से कवर करके हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे।
ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखना है, क्योंकि ग्रेवी बिल्कुल थिक है, तले पे चिपकने के इसके चांसेस होते हैं। तो 5 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, खुशबू बहुत बढ़िया आने लगी है। बैंगन को टर्न कर दें और हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार है। अब फाइनली हम इस पे गार्निश करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे करेंगे सर्व रोटी, चपाती या राइस के साथ। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। तो आप भी इस इजी टू मेक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।